ऐसा रूप है जिनू कलंक लगता ही नहीं, जिनू भरम जी के नेड़े आउंदा ही नहीं। कलंक भरम है हुंदा और कुछ नहीं हुंदा। कलंक की है भरम, जिहदे अंदर भरम नहीं कोई पैदा कर सकता। भरम पैदा कित्थे कर हुंदा है? जिथे पहला भरम होवे, जिथे भरम पहला होवे उत्थे भरम होर पैदा किया जा सकता है। जिथे भरम होवे ही ना उत्थे भरम नहीं पैदा किया जा सकता। जिथे भरम होवे पहला वह भी जे इधरला पैदा करने वाला तगड़ा ज्यादा ज्ञानवान है ना, जिन्हें पैदा करना है भरम उहदे को ज्ञान घट है ता ही पैदा कर सकता है। घट ज्ञान वाला वध ज्ञान वाले नूं भरम पैदा नहीं कर सकता। उहदे अंदर उहदे कोल कुछ नहीं पहले ही ज्यादा। इस करके जिहड़े कुछ पढ़ लैंदे ने ज्ञान, तिन्ना पढ़िया नौ फिर ना बाजा ते सिकदारा, इन्ना पढ़िया नौ इन्हां ने ज्ञान पढ़ लिया। अग्ञानी जिहड़े नौ नहीं पढ़िया उन्हां दे अंदर भरम पैदा कर सकते ने। इन्हां दे जिहड़े पतंदर ने गाहां बैठे उन्हां दे अंदर नहीं भरम पैदा कर सकते। उन्हां दे किवें कर देंगे? वह तां इन्हां नूं मनार्थ के ठग कह देंदे ने। आप तो घट ज्ञान वाले नूं ही पर देखो ना, ठगी जे कोई मारदा अणजाण ना मारदा, जिहड़ा पहला ही ठग है। संत नूं संत ते भरोसा नहीं हुंदा, उहनूं पता है वी ठग है मैं वी ठग हां। दो ठग ने उहदा, कहिंदे सप्प नाल सप्प लड़े तां जहर किहनूं चढ़े, तो दोहे सप्प ने। जहर किहनूं चढ़नी है? जहर तां उहनूं चढ़दी है जिहड़ा सप्प ना होवे। जहर तां चूहे नूं चढ़ू बेचारे नूं जिहड़ा सप्प दी खुराक है। मानस बपरो मूसा किहनूं बीच बलैया खाइए रे, वह तो बिल्ली भी खा जाती है, सपना तो खाना ही है जी जहर भी नहीं। ज्यादा ज्ञानवान आदमी घट ज्ञानवान वालों नूं ठग लैंदे ने भरम पैदा करके। जिथे भरम का नाम निशान है नहीं उत्थे भरम पैदा नहीं किया जा सकता। उन्हें तो पहला मिटा तो उदो गांह ना गया रहा, उदो गांह खड़ा उच्चा, वो जानता है उन्होंने। इस अवस्था में तो भरम का नाश करीदा हुंदा, गुर प्रसाद को वह ज्ञान हुंदा जिहदे कृपा नाल भरम का नाश हो गया। इहदा अपना गुरबाणी जिन्हां ने रची है उन्होंने अपने भरम का नाश ही साडे भरम का नाश करने वास्ते सानूं लिख के दे गए। उन्होंने अंदर असीं भरम किवें पैदा कर दिंदे? सारे तो सारे हिंदुस्तान च फिरे ने, उन्हां ते किसे दा असर नहीं होया। संत दे उत्ते किसे दा असर नहीं हुंदा हुंदा, जिहड़ा असली संत है उहदे ते भी नहीं हुंदा। संत ने छाडे सत्ती कोटक मिले संत, ये कहते ने संगत का असर हो जाता। संगत का असर भी उत्ते हुंदा जिहड़ा साडे नाल घट ज्ञानवान होवे, बदल ते नहीं हुंदा हुंदा। पता लग मैं हो जूगा वध वाले का घट वाले का असर होगा। ज्यादा वाले का जो असर यह नहीं कबूल करते। जे नानक का असर किसी ने कबूल नहीं किया, जे कबीर का असर किसी ने कबूल नहीं किया, तो कबीर ने कड़ा किसी का कर लिया? कबीर ने कड़ा किसी का कर लिया? नानक ने कड़ा किसी का कर लिया? भगतों ने कड़ा किसी का कर लिया? उन्होंने नहीं किया, ना करो। यदा मतलब यह नहीं भी जो ज्यादा आदमी होने एक पास तो एक आदमी तो असर हो जूगा, बिल्कुल नहीं होता होता। इतना मुठ्ठी भर आदमी भी ने एक पास खड़े अपोजिशन, वह भी उन्होंने गल नहीं बनते संसार दे विच भी, चाहे सारी जिंदगी हारी जान। ऐदा नहीं असर होता, असर होता है असर मन्ने ते। असर कबूलू का असर होगा ना, असर नहीं हो सकता इतने। इस करके जिन्ना मर्जी किसी को पढ़ाई जाओ, जिन्ना मर्जी प्रचार करियो, जिन्ना चिर असर कबूल नहीं करता असर उत्ते होना नहीं। यही गल गां दसी गई इस विच। ये पावर हरेक कोल है, जिहड़ा हर दुआ ना हर सारे हर ने ना। नुकसदार वह भी तो हरे है, उच्च नुकस पिया होया, वह भी नहीं कबूल करता असर, वह भी अपनी मर्जी नाल कबूल करता असर।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ। ਕਬੂਲ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਕੱਢ ਰਤਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਝੂਠਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੂ ਇਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ।